हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश ग्रामर में हम प्रोनाउंस में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर रहे थे, जिसमें से हमने पांच टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर लिए हैं। आज हम सिक्स टाइप करेंगे, जो कि है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। प्रोनाउन हमारा क्या था? सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउंस एंड दे आस्क क्वेश्चंस आल्सो। प्रश्नवाचक यानी ये कोई प्रश्न से शुरू होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ पे हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके आंसर में हमेशा हमें कोई नाउन मिलेगा, जैसे राम टीचेज अस इंग्लिश। अगला देखिए, जैसे हु नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना, तो इसका भी आंसर द स्ट्रेंजर नॉक्ड एट द डोर। हु ब्रोक द विंडो पेन, विंडो पेन होती है हमारी जो खिड़की का कांच का भाग है, उसको हम कहते हैं, तो द बॉय ब्रोक द विंडो पेन। हु इज वाटरिंग द प्लांट्स, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब इन सभी सेंटेंसेस में जो हमारा आंसर आया वो क्या है? नाउन। सभी में जो आंसर है वो क्या है? नाउन है। तो हु का आंसर जब नाउन आ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। और हु जो है हमारी क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। के बाद जो अगली हमारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है हुम। एग्जाम्पल से देखिए, हुम इज द टीचर पनिशिंग, द टीचर इज पनिशिंग अ बॉय। अब बॉय यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। हुम डू द पेरेंट्स लव, द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, अगेन ऑब्जेक्ट। हुम डिड द पुलिस कैच, द पुलिस कॉट द थीफ, अगेन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करते हैं, लेकिन डिड आया किसके सेंस में है? पास्ट सेंस के उसमें, तो कैच का सेकंड फॉर्म क्या है हमारा? कॉट। हुम विल शी हेल्प टुमारो, शी विल हेल्प मी टुमारो। अब आप यहाँ देखिए, सभी के आंसर्स में हमारे पास क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो हुम का जो आंसर है हमारे पास वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? हुम। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नाउन इज व्हाट। एग्जांपल्स इसके, व्हाट मेक्स यू लाफ, अ फनी जोक मेक्स मी लाफ। व्हाट ब्रिंग्स हिम हियर, द गुड न्यूज ब्रिंग्स हिम हियर। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, एन एक्सीडेंट happened yesterday. What did she write yesterday? अब यहाँ पर फिर से आप नोट कर सकते हैं ये बात कि did के साथ हमने first form of the verb write use करी है, लेकिन yesterday यहाँ पर आ गया तो ये past tense दिखा रहा है। She wrote a letter yesterday. What will you do now? I will study now. अब यहाँ पर देखिए सभी sentences में, इस सेंटेंस में ये क्या है हमारा? नाउन यानी कि नॉमिनेटिव केस। अगेन यहाँ पर देखिए, गुड न्यूज़ यहाँ पर हमारे लिए क्या है? नॉमिनेटिव केस। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, एन एक्सीडेंट, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है हमारा एक्सीडेंट, तो ये भी नॉमिनेटिव केस। इस सेंटेंस में व्हाट डिड शी राइट यस्टरडे, She wrote a letter, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। What will you do now? I will study now, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। तो what ऐसी इंटरोगेटिव नाउन प्रोनाउन है जो दोनों तरह से यूज़ हो सकती है, नॉमिनेटिव केस में भी और
ऑब्जेक्टिव केस में। इसके लिए आप पिछली वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं जहां हमने टेबल बनाई थी और उसमें क्लियरली बताया था कि कहां पर नॉमिनेटिव केस होगा और कहां पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट हमारी जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच ऑफ द बॉयज़ प्लेज हॉकी, यानी बहुत सारे लड़कों में से कौन हॉकी खेलेगा। द टॉल बॉयज़ प्ले हॉकी। विच ऑफ द गर्ल्स टेक्स पार्ट इन द डिबेट, द इंटेलिजेंट गर्ल। विच ऑफ द टीचर टीचेज यू इंग्लिश, आंसर क्या है इसका, मतलब बहुत सारे टीचर्स खड़े हैं तो एक पॉइंट कर रहे हैं हम, द टीचर इन रेड शर्ट टीचेज मे इंग्लिश। विच ऑफ द पेन्स डिड यू बाय यस्टरडे, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई बॉट रेड पेन्स yesterday. Which of the shirts would you like to buy? I would like to buy red shirts. अब यहाँ फिर से देखिए कि जब यहाँ पर हमने person के लिए use किया, boys क्या है, person, तो क्या है हमारा ये subject है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब हम नीचे आए तो हमने यहाँ पर object के लिए, वस्तु के लिए, यहाँ पर person के लिए और यहाँ पर थिंग के लिए, यानी विच जो है एक ऐसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पर ये यह हमारा नॉमिनेटिव केस, जब भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगी तो नॉमिनेटिव केस, और जब ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्टिव केस। इस सेंटेंस में भी देखिए, जैसे इंटेलिजेंट गर्ल क्या है, ये पर्सन, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस, टीचर पर्सन है तो नॉमिनेटिव केस। और ये लास्ट सेंटेंस में भी रेड शर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस। थैंक यू।